अगर आप जियो फाइबर फ्री में बुक करवाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं वी न्यूज। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर के बारे में कि आप उसे कैसे फ्री में बुकिंग करवा सकते हैं और हाई स्पीड इंटरनेट का आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आपको कैसे करना है और कैसे कैसे ये काम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको माई जियो ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, उसके बाद वहाँ पे हेलो बुक नाउ जियो फाइबर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो पेज खुलेगा उसमें से चार स्टेप दिया हुआ रहेगा, वो फर्स्ट स्टेप होगा। आप जैसे जैसे स्टेप कंप्लीट करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप मिलता जाएगा, और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर कॉल आएगा जियो की तरफ से कन्फर्मेशन के लिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको फिर विजिट होगा आपके घर, उसके बाद बुकिंग आप आसानी से कर सकते हैं। अगर बात करें जियो फाइबर को माई जियो ऐप से मैनेज करने की, तो बहुत ही आसान तरीका है। आप आसानी से लिंक न्यू अकाउंट में क्लिक करके लिंक कर सकते हैं, उसके बाद फिर स्विच करके आप आसानी से स्विच करके आप यूज कर सकते हैं। आपका प्राइमरी अकाउंट भी होगा और इसमें ढेर सारा अकाउंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने प्लान को सिल्वर सेलेक्ट किया है, 1 मंथ का प्लान है जो मेरा। और इसमें अगर सब्सक्रिप्शन का बात करें तो आप देख सकते हैं क्या क्या सब्सक्रिप्शन मिला है। यहाँ पे सारा दिया हुआ, जियो सिक्योरिटी हॉटस्टार है, जियो सिनेमा है, जियो सामान है, गेमिंग है, हीरोज नाउ है, एएलटी बालाजी है, सोनी लिव है, वूट है, डिज्नी, जैसे इस प्रकार के आपको आप आसानी से फ्री में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी टीवी में देख सकते हो। क्योंकि जो जियो के साथ है सेटअप बॉक्स भी मिलता है तो आप टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है उसमें। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो कि आपके डिवाइस में कौन कौन कनेक्टेड है, आपका जो जियो फाइबर उससे कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, और आप चाहो तो उसे ब्लॉक भी कर सकते हो। उसके बाद डिवाइस सेटिंग में जा कर के वहाँ पे आप देख सकते हो और आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है, आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हैं 22 जो डिवाइस आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसमें एक और खासियत यह है कि आप गेस्ट के लिए आप एक अलग से आप हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए एक अलग पासवर्ड रख सकते हो। तो इससे ये आसानी होगा कि आप जो आपका मेन पासवर्ड है आप वो किसी को नहीं देंगे और ना किसी को पता चलेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी के मोबाइल में एंटर करते हैं पासवर्ड तो वो सेव वगैरह हो जाता है। आप यहाँ से सिंपली चेंज भी कर सकते हो पासवर्ड, अपना मेन पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो और आसानी से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद जियो के एम्प्लॉय आपको कॉल करेंगे, उसके बाद आपके घर में आएंगे और वहां पे देखेंगे कि आपका यहां पे इंस्टॉल हो सकता है जियो फाइबर या नहीं हो सकता है। अगर वहां पे इंस्टॉल होने के लायक रहेगा, वो कंडीशन वहां पे रहेगा, अगर वहां पे खंभों में अगर जियो फाइबर वहां तक आया हुआ रहेगा तो वहां पे वो इंस्टॉल कर देंगे। तो इंस्टॉल करने से पहले बुकिंग होता है, बुकिंग जो एकदम फ्री होता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। जब तक आपको इंस्टॉलेशन आपका नहीं हो जाएगा तब तक आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, पैन कार्ड वगैरह लिया जाएगा, मोबाइल नंबर लिया जाएगा, और उसके बाद आपके कोई फ्रेंड या फैमिली का भी नंबर लिया जाएगा ताकि वो पूछ सकें कि आप इनको कितने दिनों से जानते हो। उसके बाद ही आपको ये जो कि जियो फाइबर का कनेक्शन आपको मिलता है, तभी आप इसका हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, थैंक्स फॉर बुकिंग जियो फाइबर, और उसके बाद फिर कुछ दिनों का जो आपके पास फिर जियो के जो इंजीनियर होंगे वो आपके पास आएंगे, जब आप चाहें तो उनको बुला सकते हैं, आप महीने बाद भी करवा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उस बाद जब वो इंजीनियर आएंगे यहाँ पे फिट करेंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन पैसा देना होता है, जैसा आप लोगे वैसा, और इसमें से 1500 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा जब आप बाद में कनेक्शन आप उस कटवा दोगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैंने जियो फाइबर लगवाया है उसका स्पीड कैसा है, कैसा स्पीड दे रहा है, अच्छा खासा दे रहा है नहीं दे रहा है, तो चलिए देखते हैं। We'll be right back.
दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पूरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ बात कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और इस तरह का आपको वीडियो देखने को जरूर मिले, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।